दोस्तों सांप का नाम सुनते ही हमारे अंदर डर भागने लगता है, दौड़ने लगता है। ऐसा होना बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि सांप की कुछ प्रजातियां इतनी खतरनाक होती है कि अगर काट लें तो इंसानों का बच पाना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आप ये बात जानते हैं कि सिर्फ हमें ही सांपों से डर नहीं लगता, बल्कि सांप भी हमसे डरते हैं और इसी वजह से वो हमें काटते हैं ताकि हम उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। दोस्तों ज्यादातर सांप काट लेने के बाद भाग जाते हैं, लेकिन ब्लैक मांबा नाम का सांप 10 से 12 बार अपने शिकार को काटता है। दोस्तों अगर आंकड़ों की माने तो हर साल सांपों के काटे जाने से दुनिया भर में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं, जबकि हमारे भारत में 50,000 लोगों पर हर साल सांप हमला करते हैं। दोस्तों जिन लोगों को सांप काट ले उनमें से ज्यादातर लोगों की मौत उनके जहर से नहीं बल्कि डर से ही हो जाती है कि उन्हें सांप ने काट लिया है। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे आप सांपों के हमले से बच सकते हैं। आज की वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव और अनोखी होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आप कभी भी कहीं पिकनिक मनाने जाएं तो किसी साफ जगह पर ही अपना कैंप लगाएं। किसी झाड़ी, लंबी घास फूस या कूड़े कबाड़े के पास कैंप मत लगाइए, क्योंकि ज्यादातर सांप ऐसी जगहों पर ही छुपे रहते हैं, क्योंकि ऐसी जगह उन्हें सूर्य की गर्मी से बचाती है और इन जगहों पर वो आराम करते हैं। और दोस्तों अगर आप कभी भी किसी जंगल जैसी जगहों पर जाएं जहां पर घास वगैरह हो तो हमेशा जूते और जीन्स पैंट पहन कर ही जाएं, क्योंकि ये चीज़ें आपको सांप के विष से बचा लेंगी। और अगर सांप आपको काट भी ले तो वो अंदर तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसे जीन्स या जूते की चमड़े की परत से गुजरना पड़ता है। दोस्तों हमें हमेशा सांपों से दूर रहना चाहिए, भले ही वो मरा हुआ क्यों ना हो। कभी किसी सांप को छेड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वे हमेशा छुप कर रहते हैं और शिकार करते हैं, इसलिए हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। हम पार्क या खेत आदि जमीन पर पड़ी कोई भी चीज़ जैसे लकड़ी, पत्थर, टोकरियां आदि सामान की बोरियां उठाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए, और हो सके तो ऐसी वस्तु को किसी लकड़ी या डंडे की मदद से देख लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर जानवर ऐसी जगहों पर छुपे बैठे होते हैं, मौका पाने पर शिकार कर देते हैं। ऐसा कई बार हमारे घरों में भी हो जाता है, और जब हम घर की सफाई के लिए सामान हटाते हैं तब कोई ना कोई जानवर छुपा मिलता है। दोस्तों मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। बचपन में जब मैं 10 साल का था तो हमारा कच्चा मकान तोड़कर हम पक्का बना रहे थे, तो जैसे ही मैंने वो ईंटें मीटे से भरा हुआ बट्ठल उठाया तो बट्ठल के नीचे एक हाथ जितना लंबा सांप था। मैं तो डर के मारे उछल गया था भाई साहब, ये रियल घटना है। तो दोस्तों आपको भी कोई जानवर सफाई के दौरान मिला है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों हमें हमेशा अपने बच्चों को ये बात समझानी चाहिए कि किसी भी जानवर से छेड़छाड़ ना करें, चाहे वो सांप हो या अन्य कोई जानवर, क्योंकि कई बच्चे जोश जोश में जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर तो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन सांप जरूर उनके लिए खतरा हो सकता है। इसलिए उन्हें ये सिखाना बहुत जरूरी है कि वो किसी भी जीव के साथ खिलवाड़ ना करें। और कभी अगर आपका सामना सांपों से हो जाए तो आप उनसे लड़ने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उनसे दूर भागने में आपकी समझदारी है, क्योंकि कोई भी सांप तब तक आप पर हमला नहीं करेगा जब तक उसे ये महसूस नहीं हो कि उसे कोई खतरा है आपसे। दोस्तों वैसे तो सांप सुन नहीं सकता, वो देख सकता है और वो वाइब्रेशन यानी कंपन महसूस कर सकता है, इसलिए अगर कभी भी सांप आपके पीछे पड़ जाए तो सीधा ना भागे, हमेशा जिग जैग पैटर्न में भागे, क्योंकि कोई भी सांप जिग जैग पैटर्न में आपका पीछा ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगा। दोस्तों अगर आपको कोई सांप अचानक अपने पास दिखाई दे तो आप वहां से जोर से भागने की कोशिश ना करें, बल्कि थोड़ी देर सीधे खड़े रहें और साइड से निकलने का रास्ता खोजते रहें, क्योंकि अगर आप उसे कुछ नहीं करेंगे तो वो वहां से भागने की कोशिश करेगा, और अगर सांप वहां से नहीं भागता तो आप दबे पांव धीरे धीरे वहां से निकलने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन हड़बड़ी में वहां मत दिखाइएगा वरना सांप आप पर हमला कर देगा। पाइथन सांप सीधे चलते हैं और अन्य सांप टेढ़े मेढ़े, लेकिन हमारे भारत का कोबरा फन मारकर शिकार करता है। दोस्तों हम मानते हैं कि आजकल सोलो ट्रिप यानी कि अकेले घूमने का बड़ा चलन है, लेकिन कई हद तक यह खतरनाक भी हो सकता है। अगर हो सके तो कम से कम एक व्यक्ति जरूर अपने साथ ट्रिप पर ले जाइए, लेकिन अक्सर जंगलों की ट्रिप पर कई सारे जानवरों से सामना भी हो जाता है, और सांप उन जानवरों में से एक है जिससे जंगलों में सामना होना निश्चित है। इसलिए अगर कभी किसी सांप ने आपको काट लिया तो आपका साथी उसकी फोटो लेकर डॉक्टर को दिखा सकता है, जिससे डॉक्टर ये समझ सके कि आपको किस प्रकार का उपचार देना सही है, क्योंकि काटने के कुछ देर बाद सांपों के दांत का निशान सूजने लगता है, और जिस वजह से ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि किस सांप ने काटा होगा। दोस्तों अगर सांपों के काटने के लक्षण के बारे में बात करें तो हमें घाव पर एक जोड़ी पंचर के निशान मिलेंगे,
और घाव के निशान पर सूजन आ जाएगी और वह जगह लाल भी हो जाएगी। मरीज को उल्टी आने लगेगी और उसकी सांस लेने की क्षमता भी कम होने लगेगी। उससे आंखों से देखने में भी परेशानी होने लगेगी। दोस्तों, उसके मुंह से लार निकलने लगेगी और अधिक मात्रा में पसीना आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद शरीर के अंग धीरे धीरे सुन्न होने लगेंगे। दोस्तों, हमें पता है आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि अगर सांप काट ले तो क्या किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर किसी सांप ने काट लिया है तो उस मरीज को बिल्कुल शांत रखना है, उसे बिल्कुल भी घबराने नहीं देना है, क्योंकि हमने आपसे पहले ही कह दिया था कि ज्यादातर लोगों की मौत घबराने से ही हो जाती है। और घबराने का एक नुकसान ये भी है कि उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से जहर तेजी से फैलेगा। इसलिए मरीज को ज्यादा से ज्यादा शांति बनाए रखने के लिए कहिए। दोस्तों, हम आपको एक और बात बता दें, इस बात की संभावना केवल 50% ही होती है कि सांप काटते वक्त अपना जहर छोड़ दे, क्योंकि सांप इंसानों को अपने बचाव के लिए काटते हैं, ना कि शिकार के लिए। इसलिए कई बार सांप अपना जहर इंसानों पर इंजेक्ट नहीं करते। और अगर किसी सांप ने आपको काट लिया है तो आप उस सांप का रंग रूप, उसकी लंबाई, उसका फन किस तरह का था, उसका चेहरा सब याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सांप की नस्ल के हिसाब से ही मरीज को हॉस्पिटल में एंटी वेनम डोज दी जाती है। दोस्तों, सांपों का एंटी वेनम डोज ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में होता है, इसलिए सबसे पहले अपने इलाके के किसी बड़े सरकारी अस्पताल में दिखाइएगा। सांप के काटने के बाद मरीज को ज्यादा हिलने डुलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और जितना हो सके अपने दिल की धड़कनों को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर काटने वाले स्थान पर सूजन आ जाती है तो हमें कपड़ों को उतार देना चाहिए, साथ में हमें रिंग या घड़ी भी उतार देनी चाहिए, जिससे खून का दौड़ाव सही प्रकार से हो सके। दोस्तों, हमें घाव पर काटने या चीरा लगाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन हो सकता है और वो जहर ज्यादा मात्रा में फैल जाएगा। और जैसा कि हमें हमारी फिल्मों में दिखाया जाता है कि सांप ने जिसको काट लिया होता है उसके जहर को मुंह से निकाला जाता है, ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है दोस्तों। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, वरना मरीज के साथ साथ उस घाव पर मुंह लगाने वाले को भी काफ़ी तकलीफ होगी। और दोस्तों, हमें घाव के आगे पीछे कोई भी चीज़ नहीं बांधनी चाहिए। अक्सर लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे जहर नहीं फैलेगा, लेकिन इसके नुकसान भी हो सकते हैं। हमें घाव पर बर्फ की सेक करनी चाहिए। हमें केवल घाव को साफ पानी से धोना है और साफ कपड़े की पट्टी से घाव को हल्का सा लपेट देना है और जितनी जल्दी हो सके मरीज को अस्पताल ले जाने की कोशिश करनी है। दोस्तों, हमें मरीज को पानी के सिवा और कोई भी चीज बिना डॉक्टर से पूछे नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिस कारण जहर तेजी से फैल सकता है। दोस्तों, कुछ सांपों का जहर साइटोटॉक्सिक होता है। ये जहर हमारी जीवित कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। और कोबरा और ब्लैक मामा सांप का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। इसलिए हर तरह के सांप के जहर का एंटीडोज अलग अलग होता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर सांपों की तादाद बहुत ज्यादा है, तब आपको ज्यादा से ज्यादा सांपों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ताकि कभी भी जरूरत पड़ने पर आप ये पहचान सकें कि किस सांप ने पीड़ित को काटा है। दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बस आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, ताकि हर कोई ये जान सके कि हमारे आसपास हो रही चीज़ों के बारे में पता होना भी तो कितना ज़रूरी है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।